आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। बलिया पेपर लीक के मामले में जिला प्रशासन के खिलाफ पत्रकारों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पत्रकारों की माने तो पेपर लीक का मामला बलिया में कोई नया नहीं है। सोशल मीडिया पर तैर रही अंग्रेजी की पेपर को पत्रकार ने सच दिखाने का काम किया है। बलिया के डीएम ने पत्रकारों को ही जेल भेज दिया। बता दें, पत्रकारों ने शहर में स्थित बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर परिसर में डीएम और एसएसपी के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन कराया है। कहा, भगवान डीएम और एसपी को शुद्धि। जी, आपको बता दें कि यहाँ यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल होने की व्यवस्था पहले से है और उसी नकल के क्रम में एक 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई। नकल का खुलासा करने, खबर लिखने का परिणाम उनको भोगना पड़ा है। प्रशासन ने उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। इसीलिए हम लोग जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सद्बुद्धि दे हे भगवान, आज रामनवमी के अवसर पर बलिया संयुक्त पत्रकार एसोसिएशन संघर्ष मोर्चा ने यह ऐलान किया था कि आज रामनवमी के अवसर पर सद्बुद्धि देने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह बुद्धि शुद्धि। खबर गाजियाबाद से, जहां साइबर सेल ने फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों अभियुक्तों ने बताया कि यह लोग फर्जी आधार कार्ड से बैंक खाते, सिम, जीएसटी नंबर, फर्जी कंपनी बनवाकर विदेशी नाइजीरियन लोगों से साइबर ठगी करते थे। वहीं पुलिस ने इनके पास से फर्जी दस्तावेज में लैपटॉप भी बरामद किया और 11 बैंक खातों से लगभग 4 करोड़ रुपए की धनराशि की जानकारी हासिल की। पुलिस का कहना है कि इस पूरे गैंग में शामिल और लोगों की तलाश की जा रही और जल्द ही और लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, साइबर सेल को कंप्लेन मिली थी, 2 FIR हुई थी हमारे यहाँ और 1 कंप्लेन प्राप्त हुई थी, 1 इंदिरापुरम थाने में और 1 मधुबन बापूधाम थाने में। उसके जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ज्ञात हुआ कि ये जो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, इसके एक फर्जी आधार कार्ड के आधार पर खाते खुलवाए गए हैं, जिसमें इनके द्वारा केमिकल सप्लाई के नाम पे विभिन्न रोग के लिए जो केमिकल्स आते हैं उनकी सप्लाई के नाम से लगभग एक जगह लगभग 24 लाख की और दूसरी जगह लगभग 8.5 लाख की ठगी की गई थी। इस पे जब टीम ने काम किया तो 2 लड़के और पकड़े गए जिन्होंने सुरेंद्र के आधार कार्ड बनवाने में मदद की थी। बाकी अन्य साथियों की प्रतापगढ़ में एटीएम से धोखाधड़ी करके पैसा निकालने वाले 2 शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़े। गिरफ्तार किए गए शातिर धोखेबाजों के पास से 7 एटीएम कार्ड, विभिन्न बैंकों के एटीएम में से पैसा निकालने के उपकरण बरामद किया गया। 10,000 नगद चोरी हुए पैसे के साथ 1 मोबाइल, 1 अवैध तमंचा भी बरामद हुआ। पुलिस से पूछताछ में दोनों शातिर एटीएम फ्रॉड करने वालों ने बताया कि जब कोई व्यक्ति एटीएम से पैसा निकालने लगता है तो उनकी मदद करने के नाम पर एटीएम कार्ड स्कैन कर लेते हैं और पैसों को गायब कर लेते हैं। यंत्र है सर, इसको एटीएम में जाते हैं सर, उसका ढक्कन उठा के सर 500 रुपए निकालते हैं, ढक्कन उठा के इसको अंदर डालते हैं, उसके बाद हम बाहर आ जाते हैं, फिर दूसरा आदमी जाता है उसमें से पैसे निकालता है सर, उसका पैसा नहीं निकलता है, पैसा इसमें फंस जाता है और वो चला जाता है परेशान होकर, फिर हम जाते हैं सर और इसको बाहर निकालते हैं, उसका निकाला हुआ पैसा इसमें फंसा रहता है और हम इसको निकाल के और पैसे निकाल के चले जाते हैं, मशीन आउट ऑफ सर्विस हो जाती है। अच्छा, यही काम करते हो तो इसमें कितने पैसे आ सकते हैं एक साथ? जी 10,000। 10,000 रुपये आ सकते हैं इसमें, तो 10-10 करके ऐसे करते रहते हैं। ये देखिए, प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा एक गैंग को बस्ट किया गया है और इसके 2 गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करके खबर मैनपुरी से है, जहां गांव हरसिंहपुर हलपुरा के पास भीषण आग हादसा हो गया जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। कुछ घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं कुछ लोग आगरा रेफर कर दिए गए। बता दें, ये हादसा श्रद्धालुओं से भरी एक डीसीएम के मकान में टकराने से हुआ था। अब कल वैसे कभी नहीं गए, कल उन्होंने पता नहीं नगला सकरी जाने वाले थे और एकदम प्लान बन गया है ना, इधर चले गए, हमने तो मना करी, मैंने मत जाओ वहाँ। अच्छा, कै बजे की घटना है ये? ये है 10:15 बजे के लगभग। अच्छा, वापस जा रहे थे?
वापस घर जा रहे, गांव पहुंच गए थे, गांव पहुंच गए, गांव से वो रोड पे एक मकान है हाँ। उसी में गाड़ी गई, टकरा गई, हाँ टकरा गई, वही मौत तुरंत हो गई। तो ये नेजा चढ़ाकर कहाँ से लौट रहे थे? जी निवास पे, हाँ ठीक। दोनों लोग नेजा चढ़ा के हमारे ग्रामवासी हलपुरा हरसिंहपुर के कई लोग परिवारिक जन ग्रामवासी जन सब नेजा में आए थे। वापसी में जब वापस जा रहे थे तो DCM गाड़ी में सवार थे, अचानक जो मुझे जानकारी हुई है नील गाय या कोई सांड या कोई अचानक कोई आवारा जानवर गाड़ी के आगे अचानक आया भाग के, तो उन्होंने गाड़ी बचाने के चक्कर में चालक ने गांव के किनारे ही हरसिंहपुर पे दुकानें बनी हुई थी, मकान बने हुए थे, उससे गाड़ी टकरा गई। टकराने से जो इसका DCM के जो उसमें बैठने की जगह पीछे जो थी डाला बोलते हैं, वो डाला लोहे का कोई चीज़ इनके सिर से टकरा गई जिससे दो लोग खत्म हो गए। अच्छा, मरने वालों की बात करें तो क्या उम्र थी उनकी और क्या नाम था? मरने वाले जो हमारे भाई थे बड़े, उनकी उम्र लगभग 48 वर्ष होगी, रामबीर सिंह चौहान जी की जी, और हमारे चचा थे कोतवाल सिंह जी, उनकी उम्र होगी 50। पिछले साल की तरह इस साल भी रामनवमी पर्व के शुभ अवसर पर अतरेहटा गांव स्थित राम बाबा मंदिर से सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने राम दरबार की झांकी निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने DJ पर नाचते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाया। वहीं अतरेहटा गांव निवासी प्रदीप अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये राम जन्मोत्सव यात्रा सन 1926 से लगातार रामनवमी के पावन पर्व पर निकाला जाता है। वही झांकी में बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। रामनवमी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये जोशियाना पुल सर्वेश्वर धाम से जो है ये शोभा यात्रा निकाली गई है, जो पैपागंज खोया मंडी घंटाघर चौराहा रेलवे स्टेशन मनसा देवी सुपर मार्केट हाथी पार्क अस्पताल चौराहा GIC ग्राउंड होते हुए फिर सर्वेश्वर धाम जाके इसका समापन हो। जिले भर से हमारे तमाम कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, जो भी हमारे सनातन धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू धर्म के व्यापारी वर्ग जो है एकत्रित हैं, और हिंदू भाई जो भी राम को मानने। सिद्धार्थनगर महाभारत कालीन ऐतिहासिक शक्तिपीठ मंदिर पलटवा देवी में आज नवरात्र के आखिरी दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं माता के दर्शन के लिए लाइन लगाए श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे गए। नवरात्रि के आखिरी दिन लोगों ने हवन पूजा कर माता के दर्शन किए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जनरली भी छोटे छोटे कार्यक्रम यहाँ पे अक्सर हुआ करते हैं, और यहाँ के लोगों की इस मंदिर के प्रति बहुत ही अनूठ निष्ठा है इसमें, और लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे कि नेपाल अपने पड़ोसी देश नेपाल से भी यहाँ लोग आते हैं, उनका भी मानना है कि यहाँ आने पर उनके। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के उपरेला गांव में मंदिर में पूजा करने युवती गई थी। वहीं मंदिर में पहले से मौजूद व्यक्ति ने अपनी छोटी बहन से अपना नंबर भिजवाया। वहीं इसका विरोध करते युवती ने अपने परिजनों से शिकायत की। वहीं मामले में विरोध करते हुए पीड़िता के दादा और पिता ने आरोपी से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन आरोपी ने परिजनों के साथ अभद्रता की। इसके अलावा मंदिर में भी आरोपी ने तोड़फोड़ की। पीड़िता अपने परिवार के साथ अलापुर थाने में लिखित शिकायत लेकर पहुंची और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र अलापुर के गांव उपरेला में कल शाम को उपरेला गांव की एक लड़की गांव में ही मंदिर दर्शन के लिए गई थी, जहां पर पुजारी के बेटे ने अपनी छोटी बहन को अपना नंबर उस लड़की को देने को कहा। इस बात को लड़की ने अपने घर वालों को जाकर बताई। घर वाले मंदिर पर आकर पुजारी व अन्य लोगों से इस बात को लेकर उनसे कहा सुनी हुई और पुजारी की पिटाई भी की गई, जिसके जिस संबंध में दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हो चुकी है। अभियोग पंजीकृत उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।